शुक्रिया, आप लोग थक भी गए होंगे और मैं डबल थका हुआ हूँ। उधर भी एक प्रोग्राम सुबह से चल रहा है, उसमें भी ज्यादा नहीं, दो तीन बात कहूंगा। बहुत ज्यादा दिलीप साहब कह चुके हैं, सारे वक्ता बात कह चुके हैं और रिपीट करने का कोई मतलब पॉइंट नहीं है। मैं यहां से शुरू करता हूं कि विजन साहब चले गए, ये सभा जो है, अगर आप लोग इजाजत दें तो एक प्रस्ताव में रखना था कि यहां हम लोग 29 जनवरी 2019 को एक बड़ा कार्यक्रम किए थे, आप लोग याद होगा, जन्म आरक्षण के विरोध में और रोस्टर के समर्थन में, जिसमें अमलेश जी, दिलीप जी, तेजस्वी यादव सब लोग। तो आज एक प्रपोजल रखना चाहता हूं कि आप विंसन साहब के माध्यम से स्टालिन साहब को इनवाइट कीजिए उनका सम्मान समारोह इसी हॉल में, और इसलिए कि ऑल्टरनेटिव एजेंडा सेट कर रहे हैं, चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे टेम्पल्स के डेमोक्रेटाइजेशन का मसला, हम मंदिर में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं तो मेरा व्यक्तिगत मसला है, लेकिन मंदिर अगर सार्वजनिक संस्थान है और आप अगर कोई विश्वास करते हैं तो आपका भी पुजारी वहां होना चाहिए डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, ये आपका अधिकार है। पहला नजीर पेश हुआ है, इसलिए उनको बुलाइए, यहाँ सब सम्मानित कीजिए, हम लोग रहेंगे। और उत्तर भारत के नेता फिलहाल कॉम्पिटिशन में है कि परशुराम का सबसे बड़ा मंदिर मूर्ति कौन बनवाएगा और विष्णु का कौन बनवाएगा, इन दोनों को एक कॉम्पिटिशन खेल लेने दीजिए और कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप सीखे यही है तो खेलेंगे वही, हमने वो नहीं सीखा है। हमारी दिलचस्पी मंदिर और मूर्ति बनाने में नहीं है, मुक्ति में हमारी दिलचस्पी है। तो जब ये खेल लेंगे, जब उससे थक जाएंगे तब आएंगे, तब इनसे बात करेंगे। और हमारे जैसे लोगों किसी नेता से कुछ चाहिए भी नहीं होता है लगातार। चलिए अब थोड़ा सा हंस भी लीजिए, अब बहुत आप टेंशन में उस समय से, तो थोड़ा सा कुछ लाइटर बात भी हो जाए। ये सब्जेक्ट जो आपने रखा है वो उसी में सोच रहा है, ओबीसी की जातिवार जनगणना क्यों नहीं, तो उसका सवाल का जवाब उसी में निहित है कि जनउधारी चाहते नहीं है कि जातिवार जनगणना हो, इसलिए क्या हो गया जवाब। मुझे लगता है कि ओबीसी महासभा को एक मांग सिर्फ रखना चाहिए, हटा दीजिए, खाली बोलना चाहिए कि ब्राह्मणों की जनसंख्या का चुनाव जनगणना, संसाधन किसके पास है तो पता लग जाएगा कि जनऊ लीला क्या है, बात समझ रहे, जनऊ लीला क्या है ये समझना। भाई अब आता हूं थोड़ा सीरियस बात के बीच में कर दूं, जब से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई 1909 मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड जो आया वहां से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो जिस दिन संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई उसी दिन संविधान खत्म करने वाली शक्तियों की भी जन्म शुरू हुआ। 9 में जेम्स फोर्ड आया और हिंदू महासभा बन जाता है। 20 के दशक में अभी सांसद महोदय अभी कह रहे थे अंबेडकर नामा में मैंने एपिसोड बनाया है जिसमें साहूजी महाराज और अंबेडकर एक मंच पे आए थे और साहूजी महाराज 2500 रुपया भी दिए थे उनको अखबार चलाने। तो 20 में अंबेडकर का उदय हो रहा है, देखिए 25 में जो है आरएसएस बन जाता है। खेला खेला समझिए, खेला। लेकिन एक बात मैं कहूँ, अंबेडकर साहब को पढ़िए, बगैर अंबेडकर साहब को पढ़े और समझे न तो संविधान बनने की प्रक्रिया, न देश में लोकशाही क्या है इसको समझ पाएंगे, और न ये भी समझ पाएंगे कि संविधान तोड़ने वाले कौन लोग हैं, संविधान में किनकी आस्था नहीं, ये भी बात अंबेडकर साहब कह चुके हैं। आजकल मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, लॉकडाउन में मैंने भी जो है पूरा कुछ काम कर लिया अंबेडकर नामा नाम से, और जाके देखिए आपको आनंद मिलेगा, कभी कभी देख लिया। ये खेला तो 1932 में ही खत्म हो गया था, यकीन मानिए। जब जाति जैसे साइमन कमीशन और डॉक्टर अंबेडकर की एंट्री होती है, अगर साइमन कमीशन के रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात वहां पे की थी साइमन कमीशन में, और जाति जनगणना हुई, और जाति जनगणना के बाद ये जब सेपरेट इलेक्टोरेट जब मिला तो अंबेडकर पिछड़े वर्ग के नेता भी बोले कि हमको भी शामिल करो उसमें,
अम्बेडकर साहब ने कहा कि ऐसा है जनगणना रिपोर्ट आ गया है, तुम अपना अलग मांगो, हम लोग सब सपोर्ट कर देंगे। अगर उस समय ये बात समझ में आ गई रहती तो खेला आपका सेपरेट पृथक निर्वाचन से पिछड़ा का सांसद पिछड़ा ही चुनता, कोई सवर्ण के भरोसे आपको रहने की जरूरत नहीं। लेकिन वो बात हुई नहीं। चलिए समय का हमें चलते चलते आखिर जाति जनगणना मान लिया हो गया तो नरेंद्र मोदी जी करवा दिए तो वैकल्पिक एजेंडा है, अगर नहीं है तो फिर जाओगे मंदिर ही बनवाने, घंटा ही बजाओगे तो किसके खिलाफ आप लड़ोगे? आप दलितों के खिलाफ लड़ोगे, मुसलमानों के खिलाफ लड़ोगे? इसलिए इस मंच से हम ये भी आह्वान करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं कि हमें वैकल्पिक संस्कृति भी पैदा करना होगा। जब तक इसकी संस्कृति जिंदा होगी उसी की राजनीति जिंदा होगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, दलित तो राष्ट्रपति हो गए, पिछड़ा प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन जनऊ लीला में सब कुछ आपका खत्म हो गया। इसलिए वैकल्पिक संस्कृति का विचारधारा का रहना जरूरी है। शुक्रिया, जय हिंद।